इस मॉनसून सैलाब का सितम जारी है हिंदुस्तान में। इंद्रदेव के प्रकोप से नदियां उफान पर हैं और हजारों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। देश भर में शासन प्रशासन की सारी कोशिशें कुदरत के इस प्रचंड रूप के सामने नाकाफी साबित हो रही हैं। यूपी के 24 जिलों के 600 गांवों पर बाढ़ की मार पड़ चुकी है। 3.5 लाख के करीब लोग प्रभावित हैं और अब सरकारी उदासीनता ने पीड़ितों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। यूपी के फतेहपुर में सैलाब ने हर ओर तबाही मचा दी है। किसानों के घर, खेत खलिहान सब कुछ बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गए हैं। नजरें जहां तक जाती हैं, वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और यह हाल जिले के एक दो नहीं कुल 24 गांवों का है। वहीं अधिकारियों की माने तो गंगा नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हालात सामान्य होने में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है। हमारे गांव के अंदर घर में और आसपास गांव के अगल बगल पानी भरा हुआ है। हम लोग यहां भाग आए, हम लोगों को यहां केवल पन्नी मिली हुई है, उसको ताने यहां अपना परिवार ले पड़े हैं और यहां खाने पीने को भी कुछ नहीं है। जो थोड़ा बड़ा घर में है वही खिलाते हैं और अंधेरे में रहते हैं। कुदरत के आगे इंसान बेबस हो चला है। चले आगे बढ़ते हुए बात पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी की करेंगे, जहां जीवन दायिनी गंगा ने घाटों को डुबो दिया है और गंगा का जलस्तर हर बीतते पल के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। जीवन दायिनी गंगा का पानी अब काशी के लोगों को भी डराने लगा है। हालांकि हालात अभी काबू में हैं, लेकिन बनारस के ज्यादातर घाट जलमग्न हो चुके हैं। जहां पर खड़े होकर कल तक लोग पूजा अर्चना करते थे, वहां अब पानी भर चुका है। पंडों की बैठकें भी पानी में समा रही है। इस समय गंगा जी बढ़ाव पर बहुत तेजी से हैं। सुबह से करीब करीब 8-9 इंची पानी बढ़ गया। सुबह हम 6:30 बजे आए थे, उस समय पानी एक सीढ़ी नीचे था। अभी एक सीढ़ी पूरा डूब गया, सीढ़ी के ऊपर पानी चढ़ गया है। सारे सामान जो है वो डूब गए हैं। कल से आज तक में आप लगभग समझ लीजिए करीब 4.5 फुट के आसपास जो है पानी जो है चढ़ के ऊपर आ रहा है। गंगा के उफान को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लोगों को फिलहाल गंगा से दूर रहने की सलाह दी गई है। चलिए वाराणसी से निकलकर उन्नाव लेकर चलते हैं आपको, जहां पर भी गंगा का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान को नदी पार कर चुकी है और 500 गांवों पर इसका सीधा सीधा असर देखा जा रहा है। उन्नाव में गंगा नदी ने तोड़ा पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड। जिले के 6 में से 4 तहसील पानी में डूबे। बाढ़ और बारिश से जिले में 500 गांव और 5 लाख आबादी प्रभावित। उन्नाव में गंगा नदी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया तो एक झटके में हजारों लोगों की आशियाने जलमग्न हो गए। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियों का शोर होता था, आज वहां नाव तैर रहे हैं। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार बांगरमऊ, सदर और बिगहापुर तहसील पर पड़ी है, जहां के कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन की तरफ से ज्यादातर लोगों को सड़क के किनारे अस्थायी रिलीफ कैंप में ठहराया गया है, लेकिन वहां भी सरकारी मदद लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधा मिली? कुछ नहीं मिली भैया। कैसे गुजर बसर करते हैं अपना? क्या करें, कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, होटल से मंगा के खाना खिला रहे बच्चे को। कोई कुछ भी नहीं मिल रहा खाने पीने का, भूखे प्यासे सब साथ मर रहे बच्चे। शेल्टर होम्स की व्यवस्था की गई है, जहां पर लोग हमारी बाढ़ चौकियों पर आए हैं वहां पर उनके भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है और उनके रुकने की ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कानपुर में तो बाढ़ पीड़ितों पर दोहरी मार पड़ रही है। बाढ़ ने पहले लोगों की आशियाने छीन लिए और अब सरकार बाढ़ पीड़ितों को सर छपाने के लिए एक टेंट तक मुहैया नहीं करा पा रही। गंगा का रौद्र रूप यूपी के कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश और गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। कानपुर में गंगा चेतावनी के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा की चपेट में आए हुए गांव के लोग सड़क किनारे टेंट लगाकर दिन गुजार रहे हैं। लोगों का आरोप है कि राहत कैंपों में न खाने पीने का सही इंतजाम है, न ही इलाज की सुविधा। लोग स्वयं सेवी संस्थाओं की तरफ से बांटे जा रहे खाने पीने के सामान पर ही जिंदा हैं। सरकारी लापरवाही का आलम यह है कि बाढ़ पीड़ितों को अब तक सिर छपाने के लिए टेंट तक मुहैया नहीं कराए गए और लोग फटे पुराने प्लास्टिक के बोरों को ही काट कर टेंट बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं।
यहाँ पे बाढ़ से बहुत नुकसान हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों जानवरों और हर घर में पानी है, कहीं मतलब पानी में रहना बैठना उठना इस समय हर जगह पानी से स्थिति खराब है यहाँ की। गांव में सभी जगह पानी भरा हुआ है, आसपास पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, 3 गांव पानी से डूबे हुए हैं पूरे। अरे खाने पीने का यहाँ का इंतजाम होते वह तहरी में देता है और खाने पीने का बिस्कुट 2 रुपया वाली देगी। कन्नौज में तो काली नदी कयामत लेकर आई है, शिवालय से लेकर विद्यालय तक सब कुछ डूब चुके हैं। सड़क डूबे, गांव डूबे, महिला थाना डूबा, स्कूल डूबा। ये तस्वीरें यूपी के कन्नौज जिले की हैं, जहां कुदरती आफत लोगों पर सितम ढा रहा है। लगातार होती बारिश ने लोगों का जीवन मुश्किल में डाल दिया है और इस मुसीबत से पुलिस थाने भी नहीं बचे। जिले में काली नदी उफान पर है और उसका पानी अब रिहायशी इलाकों में आ घुसा है। नदी के पास के ज्यादातर निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं और ये तस्वीर कन्नौज की महिला थाने की है, जहां घुटने तक पानी भरा है। पुलिस कर्मियों को भी पानी के बीच से ही होकर गुजरना पड़ रहा है। जब से यहाँ आए हैं बारिश जब से शुरू हुई यहाँ पर भरा ही रहता है पानी यहाँ पर हमेशा। हजारों किसानों की फसल काली नदी लील चुकी है, घरों में रखा अनाज बर्बाद हो चुका है और अब लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि राहत सामग्री देने में भी अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। राशन हरदोई जिले वालों को मिला, हमारे कन्नौज जिले वालों को नहीं मिला, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। जो बेचारा घर में बिल्कुल घर भी नहीं, रहने की जगह नहीं, उनको नहीं मिला, जिनके पक्के मकान उनको राशन। वही देवालय से लेकर शिक्षालय तक इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कर्नलगंज तहसील के ज्यादातर स्कूल पानी में डूब चुके हैं। इलाके के हजारों एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और बचाव का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन कुदरत के कहर के आगे ये नाकाफी साबित हो रही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या लेकर चलते हैं आपको, जहां पर उफनती हुई सरयू नदी में नाव डूब गई, जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई। यूपी में सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि सरयू नदी ने भी लोगों की जान सांसत में डाल दी है, जो अब जानलेवा साबित हो रही है। आज सरयू नदी में नाव के डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नाव में 9 लोग सवार थे। ये दर्दनाक हादसा नया घाट के पुराने पुल के पास हुआ, जब लोग नाव की मदद से नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और पानी के बढ़ने का सिलसिला अब भी जारी है। अगल बगल के गांवों के लिए यही हिदायत है कि मतलब इस समय मतलब वर्षा जो है आज तो लगभग 80 mm बारिश हुई है, मतलब नदी के किनारों से मतलब बचें, क्योंकि कटान वगैरह ज्यादा इसमें मतलब घटने के बाद लगती है। सरयू नदी में पानी बढ़ने से सीधी मार अब अयोध्या के पड़ोसी जिलों पर भी पड़ने लगी है। बाढ़ की वजह से अयोध्या से सटे गोंडा के दर्जनों गांव पानी में डूबे हुए हैं। खेत खलिहान हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। उधर गोंडा के 2 तहसीलों को बाढ़ और बारिश ने बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूपी के गोंडा जिले पर दोहरी मार पड़ रही है। सिर्फ सरयू नदी ही नहीं बल्कि घाघरा नदी भी गोंडा के लिए खतरे का सबब बन गई है। जिले के 2 तहसील में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगभग 60 गांव के 400 मजरे इस बाढ़ के सितम की बेबसी झेल रहे हैं। गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और 75,000 की आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। जान बचाने के लिए लोग ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। बहुत मजबूरी हो गई है, बाल बच्चों को लेके कहाँ जाएं? चारों तरफ पानी है, घर में भी पानी है और घर में घुस गया कमर कमर पानी है। रहने का जगह कोई है नहीं, अभी तक मचान पे रहते थे चन्नी बांधकर, अब उसमें पानी चढ़ने वाला, इसलिए हम यहाँ पर बांध पर छप्पर छान रहे हैं। सोनभद्र में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। घाघरा नदी में अचानक पानी बढ़ने से मुसाफिरों से भरी जीप रपटे में फंस कर पलट गई। उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जिले सोनभद्र में भी घाघरा नदी ने कोहराम मचाया है और ये तस्वीरें सोनभद्र के रामपुर की हैं, जहां घाघरा नदी के तेज बहाव में एक यात्री जीप बह गई। देर रात हुए इस हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। रामपुर के लोग पिछले कई दिनों से नदी पर पुल बनाने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक लोगों के आने जाने का कोई सुरक्षित इंतजाम नहीं किया गया, लिहाजा हर साल बरसात में ऐसे हादसे होते हैं। हरदोई में भी पिछले काफी समय से बाढ़ अपना सितम ढा रही है। बाढ़ बारिश से हरदोई के 85 गांव प्रभावित।
बाढ़ से जिले के 37 स्कूलों में पढ़ाई ठप, तो जिले के 85 गांवों में बिजली सेवा बाधित। हरदोई के बिलग्राम, शाहबाद और सवायाजपुर तहसील क्षेत्र में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। यहां के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करंट फैलने के डर से प्रशासन ने पूरे इलाके की बिजली काट दी है, जिससे इलाके के लोग पिछले कई दिनों से अंधेरे में ही रात गुजार रहे हैं। एहतियातन 37 स्कूलों को भी बंद करा दिया गया है। आज हरदोई के डीएम ने खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को मुआवजा दिया। किसी भी तरह के खाद्यान्न की परेशानी ना हो, उसके लिए भी आपूर्ति विभाग को निर्देशित करा गया। साथ ही साथ गांव वालों को हिदायत भी दी गई, उनको जानकारी दी गई कि यदि कटान और बढ़ती है तो किस तरह से वो बाढ़ चौकी पे भी आ सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।